गुड इवनिंग सभी को, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया, मस्त एकदम। प्रत्यास्था समझ में आ रही है? आसान टॉपिक है ना, कोई बहुत कठिन टॉपिक नहीं है, बहुत इजी चीज़ है। इसीलिए मैंने इसको स्टार्ट किया है ताकि आप लोग पहला चैप्टर भी सब बढ़िया पढ़ डालिए। पहला मतलब पहले फिजिक्स का जो थोड़ा बहुत छूटा हुआ बच्चों का वो सब भी पढ़ डालें, और साथ ही साथ एक आसान टॉपिक चलता रहेगा तो बहुत बोझ नहीं रहेगा सर पे, ठीक है? तो उसको भी आप लोग क्लियर कर सकते हो और साथ में यहाँ भी कंटिन्यूएशन में रख सकते हो अपने आप को, ठीक। इसीलिए ये स्टार्ट किया गया है। और पुरानी फिजिक्स का जो भी टॉपिक है बढ़िया आराम से उसको क्लियर करिए। 5 चैप्टर पढ़ाया है मैंने, ठीक है? वो 5 चैप्टर आप लोग बढ़िया से तैयार करिए और वो समझ लीजिए पूरी फिजिक्स की जान है वो 5 चैप्टर, ठीक। उसके बाद 2-3 चैप्टर बचे फर्स्ट फिजिक्स में जो कि बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, हो जाएंगे आराम से, सबको समझ में आ जाएगा। लेकिन वो 5 चैप्टर समझिए पूरी फिजिक्स की रीढ़ है, रीढ़ जान है पूरी फिजिक्स की, ठीक है? तो वो सभी, हाँ सभी को गुड इवनिंग बेटा, सभी को गुड इवनिंग। जितने बच्चे हमारे लाइव हैं सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग, ठीक है? तो आप लोग उतना तैयार कर लीजिए बढ़िया से। और अगर ढूंढने में वैसे बहुत मैंने सीक्वेंसली बना के रखा हुआ है, प्लेलिस्ट सब बहुत बढ़िया से आपको मिल जाएगा, बट फिर भी कुछ दिक्कत होती है ढूंढने में तो आप सिंपली सर्च कर सकते हैं कि फिजिक्स चैप्टर 1 दी ऑनलाइन कोचिंग, फिजिक्स चैप्टर 2 दी ऑनलाइन कोचिंग, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पूरी, ठीक है? तो वहाँ से आप आराम से देख सकते हैं कि एक वीडियो, मतलब कभी ऐसे दिक्कत आ जाए फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में, किसी भी टॉपिक में, तो आप बढ़िया उसको लिख दीजिए भैया यूट्यूब पे, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करना चाहते हैं तो फिजिक्स चैप्टर 1 दी ऑनलाइन कोचिंग, आपको मिल जाएगा हमारा वीडियो, ठीक है? ग्रामर में हो गया, जो भी आपको दिक्कत आती है, अक्सर बच्चे कहते हैं सर मिल नहीं रहा है, तो ये मिल नहीं रहेगा सोल्यूशन बता रहा हूँ, ठीक है? तो इस तरह से आप आराम से ढूंढ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी खास। आज हम लोगों को पढ़ना है हुक का नियम, ठीक है? हुक्स लॉ, हिंदी में कहें तो हुक का नियम, हुक का नियम। हुक कौन थे भैया? ऑब्वियस सी बात है हुक का नियम है, मतलब हुक कोई साइंटिस्ट रहे होंगे, ठीक है? कौन साइंटिस्ट थे ये? इन्होंने प्रत्यास्था के ऊपर काफ़ी काम किया और पदार्थों के प्रत्यास्थ बिहेवियर को चेक किया कि क्या वस्तुएं वास्तव में प्रत्यास्था का गुण रखती हैं, रखती हैं तो कब तक रखती हैं, इनकी कोई लिमिट है कि कोई वस्तु हमेशा प्रत्यास्थ ही रहेगी। इन सारी बातों का इन्होंने अध्ययन किया और ये पाया कि कोई भी वस्तु हमेशा प्रत्यास्थता का गुण नहीं शो करती है, ठीक है? एक लिमिट होती है जिसके अंतर्गत वो प्रत्यास्थता का गुण शो करती है, ठीक। उस लिमिट के आप पार चले जाएंगे तो उस वस्तु में प्रत्यास्थता का गुण समाप्त हो जाता है, ठीक है? और इन्होंने अलग अलग पदार्थों का एनालाइज करके ये बताया कि किसी भी पदार्थ में अगर आप प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर हो, किसके अंदर? प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, सीमा के अंदर, प्रत्यास्था की सीमा के अंदर मतलब क्या हुआ? आपको अक्सर बहुत ही लिटिल, बहुत ही स्मॉल विकृति के लिए, कल मैंने आपको विकृति बता ही दिया था, चेंज इन लेंथ अपॉन इनिशियल लेंथ, ठीक है? लंबाई में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक लंबाई, अनुदैर्ध्य विकृति, ठीक है? आयतन में परिवर्तन अपॉन प्रारंभिक आयतन, क्या? आयतन विकृति। और कितना दूर वो चलायमान सतह खिसकी है बटे उसकी स्थिर सतह से डिस्टेंस कितनी है, इसका अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं? आपका अपरूपण विकृति बोलते हैं हम लोग, ठीक है? तो कल हम लोगों ने 3 चीज़ें डिस्कस की हैं, कल हम लोगों ने प्रतिबल भी तीनों टाइप का डिस्कस कर लिया है, ठीक है? अभिलंब प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और क्या था, शीयर वाला, क्या बोलते हैं, अपरूपण प्रतिबल, ठीक है? तो प्रत्यास्था की सीमा के अंदर किसी भी वस्तु, लेकिन इससे पहले मैं आप लोगों से आगे की एक लाइन और लिखना है, एक ही लाइन और बची हुई है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोगों से थोड़ा सा कुछ कंफर्म करना चाहता हूँ। कल मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है? तो थोड़ा एक बार उस बात को क्लियर कर लें, कितने लोगों को बात मेरी ध्यान है, कितने लोगों को याद है, क्योंकि मैंने जोर देकर के ये बात कही थी कि बेटा यहाँ पर बहुत मिसकंसेप्शन है, ठीक है? लगभग लोग इस पर गलत ही समझते हैं, टीचर्स भी इस पर मिस्टेक करते हैं इस पॉइंट पे, कि विकृति उत्पन्न करने से प्रतिबल आता है या प्रतिबल लगाने से विकृति उत्पन्न होती है, कौन बताएगा? कमेंट में टाइप करो भैया, क्यों?
भाई ये चैप्टर नंबर शायद ये 8 चल रहा है ना, हाँ चैप्टर नंबर 8 9 चल रहा है, सॉरी 8 नहीं 9 चल रहा है, ठीक है। अभी 6 7 8 तीन चैप्टर हमने छोड़ के रखा है जो कि फर्स्ट बुक का है एनसीईआरटी के हिसाब से फर्स्ट बुक, और ये सेकंड बुक हमने पहले चैप्टर स्टार्ट किया है, आसान है और इसका उधर से कोई मतलब नहीं है इसलिए सबको समझ में आएगा, दैट्स व्हाई मैं इसको स्टार्ट किया हूँ। हाँ भाई, विकृति के कारण प्रतिबल उत्पन्न होता है, शाबाश वेरी गुड, क्या बात है मेरे बच्चे सब। नहीं 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 सृष्टि सृष्टि शारदा श्रादा जी आप गलत बता रही हैं, ठीक है। बाकी सभी बच्चों का इसका मतलब सब बच्चे क्लास में थे और बहुत ही ध्यानपूर्वक सुन रहे थे, मैं किसका नाम लूँ, सबका सही है तो किसी का पर्टिकुलर नाम फिर लेंगे सबका नाम लेना पड़ेगा, इसलिए जिसका गलत है मैं केवल उसका नाम ले रहा हूँ। जैसे कि अजय कृष्ण जी कह रहे हैं, अजय कृष्ण जी नहीं है, कौन है ये, दिव्यांशु सागर जी कह रहे हैं कि सर प्रतिबल से विकृति उत्पन्न होती है, बिल्कुल गलत, ठीक है। विकृति से प्रतिबल उत्पन्न होता है, क्यों, क्योंकि प्रतिबल बाह्य बल को नहीं कहते हैं। प्रतिबल क्यों उत्पन्न होता है, आंतरिक प्रत्यानयन बल से। प्रत्यानयन बल ऐसा बल जो अपने आप को रिफॉर्म करने की कोशिश करता है उसको बोलते हैं प्रत्यानयन बल, है ना। तो प्रतिबल किसके कारण होता है, प्रत्यानयन बल के कारण होता है, ठीक है। और जो आकार में परिवर्तन होता है वो किस बल के कारण होता है, क्या नाम था उस बल का, याद है, किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन किस बल के कारण होता है, उस बल का नाम क्या था बताओ भाई, किसी वस्तु के आकार में परिवर्तन किस बल के कारण होता है। हाँ बेटा सबका सही है, विकृति के कारण प्रतिबल आता है, बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है। विरूपक बल होता है ना, कौन सा बल होता है, शाबाश, ठीक। किसी वस्तु के आकार में हम जो परिवर्तन करते हैं, इसको दबाते हैं तो वस्तु जब दब जाती है तो ये परिवर्तन किसके कारण होता है, विरूपक बल। विरूपक बल बाह्य बल होता है, लेकिन इसका विरोध करने के लिए अंदर से जो बल उत्पन्न होता है जो कि कहता है नहीं मैं नहीं टेढ़ा होऊंगा, वो कौन सा बल है, वो है प्रत्यानयन बल, ठीक है। और प्रत्यानयन बल ही जो आप F अपॉन A लिखते हो ना, वहाँ पे F विरूपक बल नहीं होता है, वहाँ पे F प्रत्यानयन बल होता है, ठीक है। हालांकि मोस्ट ऑफ द केसेस जो प्रत्यानयन बल होता है वो क्रिया प्रतिक्रिया के अनुसार विरूपक बल के बराबर हो जाता है, है ना, मोस्ट ऑफ द केसेस, ठीक है, कि प्रत्यानयन बल ही विरूपक बल होता है क्योंकि क्रिया बराबर प्रतिक्रिया हो जाती है, क्लियर है। जितने बल से डिफॉर्म करते हो उतने बल से रिफॉर्म करता है, दैट्स व्हाई आप यहां पर प्रत्यानयन बल की जगह विरूपक बल भी लिख सकते हो, कैलकुलेशन की दृष्टि से लिख सकते हो, लेकिन कॉन्सेप्ट की दृष्टि से कोई आप पूछे कि यहां कौन सा बल होता है तो आपको सर यहां प्रत्यानयन बल होता है, यहां पे विरूपक बल लिखेंगे तो वो गलत कहा जाएगा। बात समझ में आई, कैलकुलेशन की दृष्टि से क्रिया के बदले प्रतिक्रिया दोनों बराबर होती है तो आप यहाँ पे प्रत्यानयन बल की जगह कैलकुलेशन के लिए आप लोग यहाँ पे कौन सा बल, विरूपक बल रख करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, है ना, लेकिन कॉन्सेप्चुअली ये गलत होगा, और क्योंकि दोनों बराबर हैं तो क्वेश्चन सॉल्व करने में बराबर लिया ही जाएगा, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। लेकिन जब सूत्र लिखेंगे तो वहाँ पे जब कोई पूछे एफ क्या है तो आपको सर एफ प्रत्यानयन बल है, विरूपक बल नहीं है, है ना। यानी कि पहले विकृति उत्पन्न होगी, पहले टेढ़ा करेंगे उसके कारण प्रतिबल उत्पन्न होगा, उसके कारण प्रत्यानयन बल उत्पन्न होगा, हम अगर टेढ़ा नहीं करेंगे तो प्रत्यानयन बल भी उत्पन्न नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, अगर हम टेढ़ा नहीं करेंगे इस स्केल को, ये सीधा, इसमें कोई प्रत्यानयन बल है नहीं है, लेकिन जैसे ही मैं इसको ऐसे टेढ़ा करता हूँ वैसे इसमें प्रत्यानयन बल आ जाता है और छोड़ते इसको वापस वहीं लेके चला जाता है, नहीं दिख रहा है इधर से दिखेगा ना, इसको वापस उसी स्थिति में लेके चला जाता है जिस स्थिति में पहले हुआ करता था। बात समझ में आई, बोलो क्लियर है सभी को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आई थिंक, ठीक है। तो प्रत्यास्था की सीमा के अंदर किसी भी वस्तु में उत्पन्न प्रतिबल उसमें विकृति के अनुक्रमानुपाती होती है। बात समझ में आई, जो प्रतिबल होता है, होती नहीं होता है, वो उसमें उत्पन्न विकृति के अनुक्रमानुपाती होता है। अर्थात आप कह सकते हो कि सर आपके कहने का तात्पर्य यह है कि प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति,
प्रतिबल अनुक्रमानुपाती विकृति यही हुक का नियम है, लेकिन एक शर्त है, प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर। क्या? प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, या इसी को हम इस तरह से भी कहते हैं कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर किसी किसी बुक में ऐसे मिलेगा अल्प विकृति के लिए, अल्प विकृति के लिए, अल्प विकृति के लिए। समझते जाओ मेरी बात को। कुछ बुक्स में लिखा होगा प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, कुछ बुक्स में लिखा होगा अल्प विकृति के लिए। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मैं कुछ लेकर के आया था तुम लोगों के लिए, ठीक है, एक ऐसी रॉड थी मेरे पास, मैंने कहा इसको प्रैक्टिकल दिख रहा है तुम लोगों को, कहाँ दिखे, यहाँ दिखेगा, यहाँ दिखे, मेरे चेहरे पर दिखेगा, यहाँ दिख रहा है। जैसे यहाँ पे अगर मैं इसको मोड़ता हूँ, फोल्ड करता हूँ, तो वापस आ जाता है। देखो ऐसे हिलता डुलता है, यहाँ दिख रहा है, हिलता डुलता है, ऐसे वापस आ जाता है, ऐसे वापस आ जाता है ना। ये प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर है, हम क्यों, बहुत कम विकृति उत्पन्न कर रहे हैं इसलिए वापस आ जा रहा है। लेकिन इस समय अनुक्रमानुपाती है, लेकिन अगर मैं इसको ज़्यादा फोल्ड कर दूंगा, उसके बाद छोड़ूंगा, तो ये लौट के वापस नहीं जाएगा। देख रहे हो, मैंने ज़्यादा फोल्ड कर दिया, विकृति ज़्यादा उत्पन्न कर दी, तो ये लौट के अपनी अवस्था में वापस नहीं गया, ठीक है। कम विकृति के लिए था तो ये वापस लौट जा रहा था, कम विकृति में वापस चला जा रहा था, लेकिन ज़्यादा विकृति उत्पन्न की मैंने, ये वापस नहीं गया। यानी हुक्स लॉ केवल कहाँ के लिए ट्रू है? हुक्स लॉ ट्रू है सिर्फ और सिर्फ प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, यानी कि बहुत ही अल्प विकृति के लिए। विकृति बहुत अल्प है, बहुत कम है, तो आप कहोगे सर ये प्रत्यास्थ है। अगर विकृति बहुत ज़्यादा हो गई तो इसका मतलब प्रत्यास्थता नहीं है। बात समझ में आई? कोई दिक्कत किसी को? किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ बेटा। नहीं है? यहां पे अगर आप लिखोगे प्रतिबल, आप जानते हो दुनिया के कोने कोने में जब कभी भी अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटता है तो वहाँ एक नियतांक आता है, तो यहाँ भी हटेगा तो यहाँ भी आएगा। इस नियतांक को हम लोग बोलते हैं ई या के, है ना। एक्चुअली मोस्ट ऑफ द बुक्स में आपको ई लिखा हुआ मिलेगा, कोफिशियंट ऑफ एलास्टिसिटी, मगर एनसीईआरटी भाई साहब कहते हैं कि हम के लिखेंगे, ठीक है। तो टेंशन नहीं लेने का, आप ई लिखो या के लिखो, दोनों सेम चीज़ है। मुझे ई अच्छा लगता है। अब कहो सर आप तो एनसीईआरटी के हिसाब से पढ़ा रहे हैं, लेकिन नहीं, ई अच्छा लगता है क्योंकि ई फॉर कोफिशियंट ऑफ एलास्टिसिटी, ई फॉर एलास्टिसिटी, दैट्स वाई मुझे ई अच्छा लगता है, ठीक है। तो ई गुणे विकृति, ई गुणे विकृति, ठीक। तो आप कहोगे सर इसका मतलब है कि ई बराबर हो जाएगा प्रतिबल बटे, प्रतिबल बटे विकृति, है ना। यहां पे ई को क्या बोलते हैं? ई आपका है प्रत्यास्थता गुणांक, प्रत्यास्थता गुणांक। ई क्या है? ई है प्रत्यास्थता गुणांक। अब आपसे कोई कहे बताओ प्रत्यास्थता गुणांक की परिभाषा बताओ क्या होती है, तो कहो बहुत सिंपल है मूर्ख, प्रत्यास्थता गुणांक परिभाषा में क्या रखा है, किसी वस्तु में उत्पन्न विकृति, किसी वस्तु में विकृति उत्पन्न करने पर उसमें लग रहा प्रतिबल तथा विकृति के अनुपात को उसका प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। बात समझ में आ रही है? ठीक है, प्रतिबल और विकृति के अनुपात को क्या बोलते हैं? प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। बेटा रिपीट कुछ नहीं हुआ, जिसको रिपीट देखना स्टार प्लस देखे। कहने का तात्पर्य यह है कि जा करके आप पिछली वीडियोस देखिए, रिपीट करने का कोई फायदा नहीं ना, विकृति वहां पूरा डिटेल में पढ़ाया है, तो जा करके वहां डिटेल में विकृति पढ़ लो, ठीक है। रिपीट करने का क्या फायदा है, हर एक लेक्चर में वही चीज है, आप खुद भी रिपीट कर सकते हो अपने से। हर चीज के लिए हमारे ऊपर डिपेंड रहो, इट्स नॉट गुड, ठीक है। क्लियर है ये? समझ में आया सबको? मैं बेटा कह तो रहा हूं कि अगर आप रिफ्रेशर यूज कर रहे हो, कुमार मित्तल आला वाला झाला, मतलब आलाजी बालाजी जो भी यूज कर रहे हो, तो उसमें सब में कैपिटल ई मिलेगा आपको। आप एनसीईआरटी देखो तो उसमें आपको के मिलेगा, तो आप के लिखो या ई लिखो, बात एक ही, ठीक है। के फॉर क्या नहीं है? के फॉर क्या, जैसे एम फॉर मैन से के फॉर क्या बना ली क्या तुम? के फॉर क्या नहीं है? के एक यूनिवर्सल सिंबल हो गया है किसी कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए, है ना। कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट करने के लिए के एक यूनिवर्सल सिंबल हो गया है। तो कभी भी हमको किसी कॉन्स्टेंट को रिप्रेजेंट करना होता है
तो वहाँ पे हम बोल देते हैं कि माना के एक नियतांक है, जहाँ के एक नियतांक है तो हम ऐसे के लिख देते हैं, आदत हो गई हमारी। तो एनसीईआरटी ने उसी हिसाब से के इसको कॉन्स्टेंट को के लिख दिया है, ठीक है, बट हमने इस कॉन्स्टेंट का नाम दे दिया है कैपिटल ई। क्लियर है? चलिए गुड, आगे बढ़ा जाए बच्चा लोगों, शाबाश। ट्वेल्थ की लाइव क्लास के लिए आप हमसे मिलिए शाम 8 बजे, लेकिन आज मैं अनुपस्थित रहूंगा किसी कारण से, तो आज ट्वेल्थ नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। प्रत्यास्था गुणांक, अच्छा इसकी विमा क्या होगी, इसका मात्रक क्या होगा प्रत्यास्था गुणांक का? आपको सर आपने कल बताया था कि विकृति की कोई विमा नहीं होती, विकृति का कोई मात्रक नहीं होता। अगर विकृति का कोई मात्रक नहीं होता है, इसका मतलब है जो प्रतिबल का मात्रक वही इसका मात्रक, और प्रतिबल का मात्रक होता है न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल, है ना। जब प्रतिबल का मात्रक न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल है तो यंग प्रत्यास्थ, सॉरी यंग अभी बाद में आएंगे, अभी तो बच्चे चल रहे हैं, ठीक है। तो प्रत्यास्था गुणांक का मात्रक भी क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल। आप कहोगे सर इसकी विमा क्या होगी, तो एक बच्चे ने लिखा है इसकी विमा बहुत बेहतरीन, एम एल माइनस वन टी माइनस टू। किस बच्चे ने लिखा है विमा? अच्छा वो बच्चा चला भी गया, ये बड़ी समस्या रहती है, ठीक है। चलिए गुड, कोई समस्या नहीं, आई होप सबको समझ में आ रहा, बढ़िया से मजा आ रही है, चलिए गुड। मिटा दे इसको, ये हो गया भैया प्रत्यास्थता गुणांक क्या होता है। अब हम लोग अलग अलग टाइप के प्रत्यास्था गुणांक पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि अलग अलग टाइप के प्रतिबल और अलग टाइप की विकृति हम लोगों ने पढ़ी है। हम लोगों ने 3 टाइप की विकृति पढ़ी है, एक तो किसी वस्तु को एक सिंगल डायरेक्शन में उसको खींच या तान करके उसमें विकृति उत्पन्न करना, दूसरा किसी वस्तु को चारों तरफ से दबाकर उस पर प्रेशर लगा करके विकृति उत्पन्न करना, आयतन विकृति, और तीसरा नंबर जो था कि किसी वस्तु को साइड से धक्का मार करके टेढ़ा मेढ़ा करके, ठीक है, उसको टेढ़ा मेढ़ा कर देना, वो वाली विकृति। तो 3 टाइप के लोगों ने विकृति पढ़ी, 3 टाइप का प्रतिबल पढ़ा, तो 3 टाइप का ही प्रत्यास्थता गुणांक भी होगा, ठीक है। तो सबसे पहले यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ठीक है। वाई से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, बहुत सिंपल कॉन्सेप्ट है। आप कहोगे सर यंग प्रत्यास्था गुणांक इसको यंग ने बताया था, ठीक है, यंग मतलब वो जवानी के दिनों में नहीं बताया तुम लोगों ने, उनका नाम ही यंग था, ठीक है। यंग भी बहुत क्रांतिकारी आदमी थे, कई जगह हैं, फिजिक्स में ही है, लाइट में भी हैं, मैकेनिक्स में भी हैं, देखेंगे आप लोग लाइट में भी इनको देखेंगे, ठीक है। तो यंग प्रत्यास्था गुणांक, यंग ने इसके बारे में बताया था कि भैया देखो जब किसी वस्तु में आप अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न करते हो, कौन सी विकृति, अनुदैर्ध्य विकृति उत्पन्न करते हो तो उसमें लगने वाला प्रतिबल भी अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो जाता है, ठीक है। तो अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात को हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं यंग प्रत्यास्थता गुणांक। कोई पूछे मात्रक क्या होता है, मैं कहूँ भैया नाम ही तो बदला है, ठीक है। यंग प्रत्यास्थता गुणांक नाम रख देने से क्या परिवर्तन आ जाएगा बताओ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, विमा भी एम एल माइनस वन टी माइनस टू हो जाएगी, कोई परिवर्तन नहीं आएगा, बात समझ में आई, ठीक है। बस नाम ही बदला है तो ये भी प्रत्यास्थता गुणांक ही ना, ठीक है। तो आपको अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे अनुदैर्ध्य विकृति, अनुदैर्ध्य प्रतिबल का फॉर्मूला हम कहते हो जाता है एफ अपॉन ए बटे स्मॉल एल बटे कैपिटल एल, घूम के ऊपर ही घूम के नीचे, तो वाई इज इक्वल टू एफ एल अपॉन ए एल, एफ एल अपॉन ए एल। बोलो बात समझ में आई, समझ में आया क्या बच्चा लोगों? नहीं बेटा बीएससी नहीं पढ़ाते हैं, बीएससी हमको नहीं आता है, बेटा टेंसाइल और कंप्रेसिव दोनों ही अनुदैर्ध्य का ही नाम है, बात समझ में आई। कंप्रेसिव मतलब दबाना ऐसे, टेंसाइल मतलब खींचना ऐसे,
दोनों ही इसके दो रूप हैं अनुदैर्ध्य प्रतिबल के। समझ में आ रही है बात? ठीक है। अब प्रैक्टिकली अगर आपसे कोई कहे कि आप किसी भी पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक कैसे निकालोगे, इसका एक प्रैक्टिकल भी दिया हुआ है, आप देखिएगा एनसीईआरटी में। ठीक है, इजी प्रैक्टिकल है, कोई बहुत बहुत कोई महान कार्य वाला प्रैक्टिकल नहीं है। क्या करना है कि आप यहाँ पे एक तार लेंगे, ठीक है, क्या लेंगे, एक तार लेंगे, तार को एक दृढ़ आधार से बांध देंगे और इसके नीचे एक छोटा सा पलड़ा लगा देंगे। पलड़ा समझते हो, ये तराजू होता है ना, वैसे एक पैन लगा दिया नीचे। ठीक, क्या होगा कि अब इसमें हम लोग धीरे धीरे इसमें ना मास बढ़ाकर रखेंगे, इसमें कोई मास रख देंगे, से दैट ये मास कितना है, एक एम मास इसमें हम लोगों ने रख दिया, एक गेंदा रख दिया जिसका मास एम था, गेंदा समझते हो, हाँ वही बात। ठीक है, जिसका मास क्या था, एम था, इसमें हमने रख दिया। इस तार की प्रारंभिक लंबाई क्या थी, कैपिटल एल थी, मान लिया। और जब हमने इसमें पहले खाली था, जब हमने इसमें रखा ये बॉल, जब रखा हमने तो ये पाया कि ये जो बॉल थी यानी जो पैन था वो थोड़ा सा नीचे खिसक गया, इतना नीचे खिसक गया। ठीक है, ये देखो प्रारंभिक लंबाई इसकी एल थी, मान लेते हैं लंबाई में वृद्धि कितनी हो गई, स्मॉल एल हो गई। ठीक है, और अब इसमें हमने एक एम द्रव्यमान का नीचे मास रख दिया है, तो आपको सर ये नीचे कितना फोर्स लगाएगा, हम कहेंगे सर एम जी फोर्स लगाएगा, भाई मास से नीचे एम जी वेट से ही तो होगा ना। ठीक है, और ऊपर की ओर विपरीत दिशा में प्रत्यानयन बल कितना लगेगा, एफ लगेगा। तो जैसा कि मैंने आपको समझाया कि मोस्ट ऑफ द केसेस में जो प्रत्यानयन बल है वो इसमें विरूपक बल के बराबर हो जाएगा। यहाँ पे इसको खींचने का काम कौन कर रहा है, तार को, आप कहोगे सर एम जी, तो विरूपक बल कौन हो गया, आप कहोगे सर एम जी, है ना, विरूपक बल कौन हो गया एम जी, और प्रत्यानयन बल कौन हो गया, कैपिटल एफ। ठीक है, इस पर्टिकुलर केस में कैपिटल एफ जो है वो एम जी के बराबर हो जाए, है ना, यही विरूपक बल है, और क्योंकि ये संतुलन की अवस्था में रहेगा तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे, तो आप कहोगे सर एफ बराबर तो एम जी होना चाहिए, हम कहेंगे बिल्कुल एफ बराबर एम जी होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, एफ बराबर एम जी कर लो, सही है। ठीक है, फिर आप कहोगे सर यंग प्रत्यास्था गुणांक निकाल लीजिए, आप कहोगे सर एफ एल यानी कि एम जी कैपिटल एल अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए और इंटू स्मॉल एल। ठीक है, और अगर आपके पास स्क्रू गेज हो तो आप उसका रेडियस भी मेजर कर सकते हो तार का, और रेडियस मेजर कर लोगे तो वाई इज इक्वल टू, अगर मान लो तार रेडियस आपको ना दिया हो तो आप उसको मेजर करके इसको पाई आर स्क्वायर इंटू स्मॉल एल लिख सकते हो, है ना। तो इस सूत्र की सहायता से आप प्रैक्टिकली किसी भी तार का, भाई कितना द्रव्यमान आपने लटकाया आपको पता है, कितना लंबा तार काटे हो कैंची से आपको पता है, जी का मान सबको पता होता है, सारी दुनिया जानती है। ठीक है, पाई का मान कौन ऐसा बेवकूफ है जो नहीं जानता है। आर हम लोग स्क्रू गेज से मेजर कर लेंगे, एल को हम लोग वर्नियर कैलिपर से मेजर कर लेंगे। ठीक है, अगर बहुत लंबी वृद्धि वैसा नहीं होती, वर्नियर कैलिपर से यूज करना पड़ेगा। ठीक है, मेजर करके उसके बाद क्या करेंगे, इस सूत्र में रख देंगे, किसी भी पदार्थ का यंग प्रत्यास्थता गुणांक यहां से हम निकाल सकते हैं, किसी भी तार का, किसी पदार्थ के तार का। बोलो बात मेरी समझ में आ रही कि नहीं समझ में आ रही है, जल्दी बताओ भैया। अरे मोहम्मद सानू मेरे लाल राजा बाबू, प्रत्यास्था गुणांक तीन टाइप के होते हैं। ठीक है, जिसमें पहला टाइप है यंग प्रत्यास्था गुणांक, और यंग प्रत्यास्था गुणांक अनुदैर्ध्य प्रतिबल और अनुदैर्ध्य विकृति के अनुपात के बराबर होता है। आयतन प्रत्यास्था गुणांक, जलीय प्रतिबल और आयतन विकृति अनुपात के बराबर होता है, आप खुद बना सकते हो। और अपरूपण जिसको आप लोग बोलते हो शियर स्ट्रेस, ठीक है, वो अपरूपण प्रतिबल, अपरूपक प्रतिबल और अपरूपण विकृति के अनुपात के बराबर होता है। तो तीन टाइप से हम लोगों ने प्रतिबल और विकृति पढ़ी है, तो उसके हिसाब से तीन टाइप का प्रत्यास्था गुणांक हो गया है। बोलो बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही, जल्दी से बताओ। वर्नियर कैलिपर्स क्या होता है, ये लो भैया, बेटा ये प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, प्रैक्टिकल इंस्ट्रूमेंट
तो हम अलग से एक वीडियो में बनाएंगे, सोचे थे कि आपको साथ में स्क्रू गेज वर्नियर कैलिपर्स यूज़ करके आपको दिखाएंगे कैसे यूज़ होता है, क्या काम होता है, इसका पर्पस क्या होता है, ठीक है। तो उम्मीद करिए मुझे कभी समय मिलेगा, क्योंकि डेली तो क्लासेस ही रहती हैं सुबह शाम तक, कभी ऐसा मौका मिला दो तीन दिन की छुट्टी किसी कारण हुई अगर, तो उस बीच में कोशिश करूँगा कि एक वीडियो में इन इंस्ट्रूमेंट्स की बना दूँ, स्क्रू गेज और वर्नियर कैलिपर्स दोनों की, ठीक है। पूरा इसको यूज़ करना सिखा दूँ तुम लोगों को, और इसका अल्पतमांग वगैरह निकालना, और इसकी पूरी थ्योरी, इसका कॉन्सेप्ट आपको बता दूँ एक वीडियो में। कोशिश करूँगा, आई विल ट्राई माई बेस्ट, ठीक है। बोलो भाई, क्लियर है ये? चलिए, अभी हम लोगों ने कुछ सूत्र पढ़े हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि इन सूत्रों को परेशान किया जाए और इनके आधार पर कुछ सवाल लगाए जाएं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1, मिटा दे इसको, स्क्रीनशॉट अगर ले लिए तुम लोग अब तक ले लिए होगे, काफ़ी देर हो गया हमें हटे हुए। कुछ सवाल लेते हैं हम लोग, ठीक है, ज़्यादा नहीं, कुछ छोटे छोटे नन्हे मुन्ने सवाल लेंगे, क्योंकि इस पर कुछ ज़्यादा सवाल बन ही नहीं सकता ना बेटा, मैं कर भी क्या सकता हूँ, मेरी मजबूरी है, मैं ज़्यादा सवाल ले ही नहीं सकता, बनेगा नहीं तो मैं लूँगा कहाँ से। इस तरह से एक छत वत है, दीवार वार है, जिस पे कील बांध करके ऐसे हमने एक तार लटका दी, ठीक है। तार के नीचे हमने जो है 400 ग्राम का पिंड लटका दिया, एक एम मास है, कितने ग्राम का, 400 ग्राम का, तो हमने एम बराबर 400 ग्राम का पिंड लटका दिया, और तार की प्रारंभिक लंबाई थी कैपिटल एल बराबर 2 मीटर, और इसकी लंबाई में वृद्धि हो गई 0.1 mm, ठीक है, 0.1 मिलीमीटर, ठीक। और जी का मान आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 9.8 meter per second square दिया हुआ है, ठीक है। और बस तार की त्रिज्या दिया हुआ है 0.1 mm, ये भी दिया हुआ है, ठीक है। आपसे पूछ रहा है, बताओ बच्चा कि तार का यंग प्रत्यास्था गुणांक क्या होगा, बस इतने में ही सवाल है। अब इसको हिंदी में लिखूं, इससे बेहतर मैंने लिस्टिंग कर दी है, आप लोग इसको सॉल्व करने की कोशिश, तो मैं इसको मिटाता हूँ, उसके बाद मैं सॉल्व करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि मेरे स्टार्ट करने से पहले आपका आंसर आ जाना चाहिए, आ जाएगा। चलिए, गुड। हाँ भैया, तो कुछ पहुंचा तुम लोगों का? सर मुझे न्यूमेरिकल नहीं आता है। कोई बात नहीं, न्यूमेरिकल आपको नहीं आता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं, न्यूमेरिकल नहीं आता है तो न्यूमेरिकल लगाएंगे तो आएगा, है ना, करने से होगा, बिना किए नहीं होगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल लगाया जाए तब तो आएगा। तो वाई इज इक्वल टू फॉर्म पड़ा एम जी कैपिटल एल अपॉन पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल, एम जी कैपिटल एल अपॉन पाई आर स्क्वायर स्मॉल एल, सही है। आपको अक्सर एम कितना दिया हुआ है, हम कहेंगे एम की वैल्यू दिया हुआ है 400 ग्राम, और हमारा फर्ज बनता है कि 400 × 10^-3 कर दें, क्योंकि ग्राम को किलोग्राम में अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा, है ना। अब डायरेक्टली लिख दे रहे हैं, यहाँ अलग से क्या लिस्ट बनाए उसकी, तो एम हो गया 400 ग्राम, यानी कि 400 × 10^-3 kg, इंटू जी दिया हुआ है आपको 9.8, ये तो अच्छी बात है। कैपिटल एल का मान दिया हुआ है 2 मीटर, 2 मीटर लंबा तार है, बटे 2 मीटर में एम का लिखे हो भाई, हटाओ यहाँ से, बटे पाई आर स्क्वायर, तो 22/7 आर स्क्वायर, आर कितना है 0.1 mm है, तो आप कह सकते हो सर इसको 0.1 × 10^-3 meter कर सकते हैं इसको, अच्छा लग रहा है, मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 10^-3 से गुणा कर देंगे, अच्छा। फिर अगर मैं इसको 1 × 10^-4 meter लूँ, कोई तकलीफ, 0.1 अंक राइट साइड खिसकाएंगे, 10^-3 से -4 हो जाएगा, अच्छा लगेगा। तो इसको 10^-4 का होल स्क्वायर कर लेते, इंटू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल, 0.1 mm,
अब आप देख ही रहे हो 0.1 mm को एक बार यहाँ सॉल्व कर ही चुके हैं हम लोग, तो 10^-4 ये भी आ रहा, इसको 10^-4 लिख देते हैं ना। ज़्यादा मेहनत ज़्यादा लफड़ा कौन फैलाए, इतना सिंपल सिंपल रखते हैं चीज़ों को। तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 400 इंटू 10^-3 इंटू 9.8 इंटू 2, या 9.8 इंटू 2 कर देंगे तो 19.6 आ जाएगा क्या, क्यों भाई शायद यही आएगा मेरे हिसाब से, गुणा करके देख लो, इंटू ये 7 घूम के ऊपर चला जाएगा, बटे में 22 × 10^-8 × 10^-4। अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा मेरे से यहाँ 2, हाँ ठीक तो है, चलिए काट देते हैं, कुछ काट पीट मचाते हैं। 2 से काटेंगे तो 200 आ जाएगा, ये 11 आ जाएगा, इसको काटेंगे 11 आ जाएगा, दशमलव कितना बचा, 8 बचा, 86 हो गया ना, तो 11 × 7 = 77 हो जाएगा, हाँ 11 × 7 = 77 हो जाएगा। फिर 3 × 6 उधर 9 बचा, तो 11 × 8 = 88 हो गया, ये इतना आ गया, ठीक है। और गुणे 7 टुकड़ा है ही, उसको मैं अलग से क्या लिख रहा हूँ। तो y इज इक्वल टू आ गया 200 क्या, इसको गुणा करो दोनों को, सब गुणा कर डालो, कर डालें गुणा, पर लंबा है कर डालते, करना पड़ेगा ही। तो 2 × 8 = 16 एक हासिल आया, 2 × 7 = 14 = 5 एक हासिल आया, 2 × 1 = 2 = 3 और यहाँ 20 दंग दशमलव क्या करेगा, उड़ा देगा, तो 356 हो गया। गुणे 10^-3 गुणे 7 ओनली 7 बटे, देखो तो पेशेंस रखो गुणा भाग करने के लिए, लपर लपर करते इसलिए गड़बड़ा जाता है मामला। 8 × 4 कभी कभी मैं भी लपर लपर करता हूँ, मुझसे भी गड़बड़ा जाता है, दिल पर मत लेना कि ऐसे बोल रहे हैं, फितरत होती है हम लोग, क्या करते हैं, है ना। गुणा करो भैया 7 से, 7 × 42 = 2 4 हासिल आया, 7 × 5 = 35 39 = 9 3 हासिल आया, 7 × 21 = 24 है ना। और 10^-3 को मैं दशमलव 3 अंक पे लगा लेता हूँ, कौन लिखे उसको, और इसको ऊपर ले जाएंगे गुणे 10^12 इतने न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। बाप रे, खतरनाक सवाल था ना, समझ में आया। गुणा भाग कैलकुलेशन के अलावा और कुछ हो तो मुझे बताओ तुम लोग, केवल क्या किया है, सिर्फ और सिर्फ गुणा भाग ही तो किया है, बोलो भाई। (2.4 × 10^11 नहीं, हिमांशु देव जी एक बार देखिए, अगर कहीं मुझसे कैलकुलेशन मिस्टेक हुई हो तो बताइए, नहीं हुई तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने सही सॉल्व किया है, हर किसी को लगता है कि मैं सही हूँ, देख लो चेक कर लो, कहीं गलती हो तो बता दो मुझसे, नहीं हो तो गुणा भाग एक बार आप लोग भी कर लीजिएगा, कहीं कोई डाउट हो। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक के लिए मैं एडवांस अपनी गलती स्वीकार लेता हूँ, कभी ऐसा होता है कि मैं क्वेश्चन लगाते समय इधर से जब इधर शिफ्ट करता हूँ, यहाँ लिखा होता है प्लस, यहाँ लिख देता हूँ गलती से माइनस, है ना, 10^-12 10^+12 लिख देता हूँ कभी कभी, मतलब ये गलतियाँ हो जाती हैं, ह्यूमन एरर है, आपसे भी हो सकती है, हमसे भी हो जाती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो कभी किसी क्वेश्चन में आप कैलकुलेशन मिस्टेक मिले भी तो समझ लेना कि सर भांग पिए हो तो गलती हो गई, उनसे हम सही कर लेंगे, ठीक है। तो कैलकुलेशन मिस्टेक पर बिल्कुल मत जाना, उसके लिए परेशान मत होना, ठीक। आगे चला जाए, ओके ठीक है, एक बार कैलकुलेशन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है, उतना मैंने पहले ही कहा भाई देखो, ठीक ओके चलते हैं आगे, इसको मिटा देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देते हैं, एक सवाल और लेते हैं, एक सवाल और लेते हैं। हमारे पास किसी पदार्थ का एक तार है, होगा कोई पदार्थ, पदार्थ हमसे क्या मतलब है ना, जिसका यंग प्रत्यास्था गुणांक दिया हुआ है आपको 2 × 10^11 N·m². ये दिया हुआ है, प्रारंभिक लंबाई इसकी दिया हुआ है 1 मीटर और इसमें एक पिंड लटकाया गया है जिसका द्रव्यमान है 500 ग्राम, ठीक है। इस बार जी का मान आपको 10 m/s² दे दिया है और त्रिज्या आर बराबर आपको दे दिया है 0.7 सही रहेगा, हाँ सही रहेगा,
नहीं सही नहीं लग रहा है वो। इसको 0.1 रहने दो, इतने मिलीमीटर है ना। आप मुझे बताओ इसकी तार की लंबाई कितनी बढ़ेगी, कितनी खींच के लंबी हो जाएगी इसकी तार की लंबाई, ये आपको बताना है। ठीक है, सॉल्व कीजिए जल्दी से इसको। किसी को कोई डाउट हो तो कमेंट कर सकता है। कृपया इन अराजक तत्वों को जरा ब्लॉक कर दिया जाए, अगर आप सुन रहे हैं सिद्धार्थ जी तो। एक विनोद भैया हमारे, एक हेलो वाले हैं, दो लोगों को जरा सा ब्लॉक मारिए दोनों को। बाकी लोग सवाल करने का कोशिश कीजिए। ठीक है, आंसर आ जाए मेरे को बताइएगा, आई एम वेटिंग। एक और है, इनको भी चैनल से भगा दिया जाए, धक्के मार के निकाल दिया जाए। अमित कुमार जी हैं, हो गए, चलिए धन्यवाद। हाँ भाई, आंसर आया बेटा है 30 किलोमीटर। इतना दूर ऐसे कैसे हो सकता है? अरे मिलीमीटर में आंसर आना चाहिए, दशमलव सब में आंसर आना चाहिए। टेन पार माइनस थ्री यानी 0.3 mm आप कहना चाहते हैं। ओके गुड, बेटा कोशिश तो कीजिए, नहीं लगा इसमें कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं, बट आपने पेन उठाया है ये जरूरी है ना। पहली बात तो पेन लेके बैठा करो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ऐसे हवा में नहीं। आपका क्वेश्चन क्या है बेटा, आप कुछ बोलिए तब तो मैं समझाऊंगा ना। अपना क्वेश्चन तो बताइए आप जरा सा। एक आंसर आया है सिंबल ऑफ नॉलेज 7.7 × 10⁻¹⁰ निकल गया, पढ़ नहीं पाया। 10⁻³ ठीक है, देख लेता हूँ, लेट मी ट्राई। ठीक है, चेक करता हूँ मैं, देखता हूँ आंसर क्या आता है, प्रोबेबली हो सकता है आंसर सही हो। अच्छी बात है सही है तो, नहीं सही है तो कोई बात नहीं, आगे सही होगा है ना। चलिए मैच करें किसका, मेरे को L निकालना है तो मैं L को ऊपर कर लेता हूँ और एम जी एल अपॉन में इसको Y को नीचे, तो पाई आर स्क्वायर वाई ऐसे हो जाएगा ना, अभी अच्छा लग रहा है। M का मान कितना दिया, 500 ग्राम, तो 500 × 10⁻³ मुझे कर लेना चाहिए। G का मान आपको इस बार 10 दिया है सवाल में, तो हम खुश हो जाएंगे और 10 रख लेंगे है ना, क्योंकि जब 10 दिया हो तो हम लोगों को टेंशन नहीं लेने का और खुश रहना चाहिए। कैपिटल का मान 1 मीटर दिया है, कितना आसान कैलकुलेशन तुम लोगों को दिया ना लाए, इतना आसान कैलकुलेशन मिलेगा नहीं दोबारा जिंदगी में तुम लोगों को। पाई आर स्क्वायर एल, पाई कितना है, पाई 22/7 लिख लेते हैं, अच्छा लगता है 22/7, क्योंकि बटे में 3.14 रख के उसके भाग देना बड़ा मुश्किल काम हो जाता है, मेरे को अच्छा लग रहा है 22/7 रखा यहाँ पे। आर की वैल्यू कितनी भैया, 0.1 mm, मतलब 10⁻⁴ होगा ना ये, अभी पिछले सॉल्व किया था हम लोगों ने। इसका स्क्वायर इंटू वट इज़ वाई, 2 × 10⁻¹, 2 × 10⁻¹, अच्छा लग रहा है देखने में,
खूबसूरत लग रहा है, बढ़िया लग रहा है। कुछ बचा बचा भैया, तो 10^-3 से 2, 1, 3, 0 निपटा दो, तल 5×7 भी ऊपर आ गया, 7 अच्छा लग रहा है, बटे अच्छा तो सभी लग रहा है हमको, बटे 22×2=44, 22×44 × 10^-8 और 10^11 अभी सही है। सॉल्व कर लेते हैं, तेल बराबर 7×35/44×10^ पहले नीचे ही रख लेते हैं, एक स्टेप अगले स्टेप में ऊपर कर देंगे, 10^3 है ना, 10^3 को ऊपर भेज लो, पहले 4 से काटो इसको, 4 से काटो 11 आएगा, 4×8=32, 3 गया ना तो 4×4=28, 4×5=20 अच्छा लग रहा है, 11 से निपटा लो इसको, तो 11×7=77 एक आंसर लगता है सही आया था, 11×7=77 ठीक। फिर कितना बचा भाई, 77 10 बचा 105, तो 11×9=99 6 बचा, 11×55×10^-3 इतने मीटर है ना, तो आप कह सकते हो सर इसको आप सीधे लिखिए 7.95 mm, दिस इज द करेक्ट आंसर, कुछ बच्चों का आया था, बहुत अच्छे शाबाश, वेरी गुड, 7.86, 7.9 के अप्रॉक्सीमेटली शाबाश, बहुत अच्छे बहुत अच्छे बहुत अच्छे, गुड। बस निश्चित दूरी, बेटा ये क्वेश्चन नहीं बता पाएंगे आपको यहाँ पे, ठीक है पहले से बता दे रहे हैं हम, क्वेश्चन पढ़े बिना, क्वेश्चन वीडियो लेक्चर से कल हम टॉपिक के क्वेश्चन ही बता सकते हैं आप, इसको जो डाउट है क्लियर कर सकते हो ठीक है, बट इस तरह अगर हम बताने लगेंगे, हमने कोशिश किया एक आध बार, क्योंकि फिर हर बच्चा ही सोचता है कि अभी तो लाइव में, फिर कभी क्लास आगे नहीं बढ़ पाती है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, जितना मैं मुझसे हो पा रहा है मैं कर पा रहा हूँ, लेकिन इंडिविजुअली अब हर किसी को इंसान थोड़ा सा समझना मेरी मजबूरी को भी, कि ये मैं नहीं कर पाऊँगा ठीक है। सबसे बड़ा इशू यही है कि एक दिन आपका बताऊँगा तो कल को कोई लड़का मुझसे नाराज़ हो जाएगा कि सर आप हमारा नहीं बता रहे हैं, हो चुकी है ये चीज़ें पहले, मैंने कोशिश पिछली वीडियो देखी है कभी एक आध बार ऐसा हुआ है, थोड़ा मैंने हो जाता है, इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा कि मैं इतना आप लोगों की मदद नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन जितना हो पा रहा बेटा उतना मैं कोशिश कर रहा हूँ। आपके कोई क्वेश्चन फंसते हैं तो पहले कुछ बच्चे टेलीग्राम वगैरह पे कर देते थे मैसेज, बता दिया करता था मैं, लेकिन अब पॉसिबल नहीं हो पाता मेरे पास, आपको मैं कभी शेयर कर दूँ कम्युनिटी पे, टेलीग्राम के, इंस्टा के, फेसबुक के मैसेजेस का इनबॉक्स, डेली 50 लड़कों के क्वेश्चंस आते रहते हैं, अब आप खुद भी थोड़ा सा समझदार हो, इतना समझ सकते हो कि पॉसिबल नहीं हो पाएगा कि मैं हर किसी को रिप्लाई कर दूँ उसका आंसर, इसीलिए मैं कहता हूँ अगर आप कहीं फिजिकली कोचिंग पढ़ रहे हो ऑफलाइन तो वो पढ़ते रहना, क्योंकि ये मेरे भरोसे में कि सर आपने कहा था अब आप बता नहीं रहे हो, तो मैं जितना असिस्ट कर सकता हूँ उतना करते रहा हूँ, पर्सनल गाइडेंस में नहीं कर पाऊँगा, इसके लिए मैं आपको माफ़ी चाहता हूँ ठीक है। जो क्वेश्चंस मैं बता दे रहा हूँ, जो असाइनमेंट मैं दे दूँगा उतना तक ठीक है, ठीक है आगे चला जाए कोई बात नहीं, रॉन्ग हो गया हो जाने दो, होता रहता है ठीक। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं किसी तार के लिए प्रतिबल विकृति वक्र, प्रतिबल विकृति वक्र है ना, स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ फॉर अ मेटालिक वायर ठीक है, वो स्टील का हो सकता है, वो एल्यूमिनियम का हो सकता है, किसी भी चीज़ का हो सकता है, सबका ग्राफ अलग अलग बनता है ठीक है, बट एक जनरल शेप ग्राफ का वो वही होता है सबका लगभग ठीक है। तो स्ट्रेस स्ट्रेन ग्राफ में आप मुझे बताएंगे, अगर आप लोगों ने जो जो बच्चे पहली फिजिक्स मुझसे पढ़े हैं उनको पूरा आइडिया होगा, जो नहीं पढ़े हैं वो पढ़ रहे होंगे, वो भी आज नहीं कल जान ही जाएंगे कि ये सब मैं क्या बोल रहा हूँ। ग्राफ हमें बनाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि एक एक्स अक्ष होगी, एक वाई अक्ष होगी ठीक है, हमारे पास दो अक्षे होंगे, एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष। स्ट्रेस स्ट्रेन यानी कि प्रतिबल और विकृति, तो मुझे एक अक्ष पे प्रतिबल लिखना पड़ेगा, एक अक्ष पे विकृति लिखना पड़ेगा, तो इधर प्रतिबल इधर विकृति या इधर प्रतिबल इधर विकृति, ये आपको डिसाइड करना है और लॉजिक के साथ कमेंट करना है। एक्स अक्ष पे मैं प्रतिबल लिखूं कि विकृति, पहला जवाब,
एक्स अक्ष पे प्रतिबल लिखूं कि विकृति और क्यों? आप कहोगे सर आप अभी तो पढ़ाए भी नहीं और आप पहले ही क्वेश्चन पूछ लिए, क्योंकि मैंने एक जनरल कॉन्सेप्ट ग्राफ का दे दिया है जो हमेशा लगेगा, ठीक है। आपसे कभी भी कोई दो राशि देख पूछे ग्राफ कैसा बनेगा तो आप अपने आप पता कर सकते हो कौन एक्स अक्ष पे होगा कौन वाई अक्ष पे होगा। इसके लिए बेसिक कॉन्सेप्ट में दे के रखा है मैंने फर्स्ट पेपर में। तो जिन्होंने उधर क्लास की है स्पेशली चाल समय दूरी वाला चैप्टर जो है, तो मुझे बताएं, कोशिश करें, मैं जवाब सुनना चाहता हूँ, बहुत आतुर हूँ मैं। स्ट्रेस वाई अक्ष पर विकृति, स्ट्रेन विकृति, एक्स अक्ष पर प्रतिबल विकृति, विकृति क्योंकि इंडिपेंडेंट चर है। शाबाश मनीषा कुमारी जी, बहुत बढ़िया, आपने रीजन के साथ आंसर दिया। आंसर तो मैक्सिमम बच्चों ने सही दिया है कि एक्स अक्ष पर विकृति रखेंगे, ठीक है, विद रीजन। एक बच्ची ने आंसर दिया मनीषा कुमारी ने कि सर क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, स्वतंत्र चर है, इसीलिए मैं शुरू से जब से स्टार्ट किया है। देखो मैंने कहा ना बेसिक कॉन्सेप्ट पकड़ते चलोगे इस ग्राफ को बनाने में, दो बेसिक कॉन्सेप्ट, एक पुराना बेसिक कॉन्सेप्ट, कभी भी ग्राफ बनाएंगे हम लोग तो एक्स अक्ष पे स्वतंत्र चर रखेंगे। दूसरा कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर लोगों ने डिस्कस किया कि प्रतिबल उत्पन्न होता है विकृति लगाने से, ना कि विकृति उत्पन्न होती है प्रतिबल लगाने से। जिसने इस बात को पकड़ लिया कि विकृति के कारण प्रतिबल उत्पन्न होता है, वो समझ गया कि विकृति स्वतंत्र चर है और प्रतिबल आश्रित चर है ना। प्रतिबल तब होगा जब विकृति आएगी, इसका मतलब विकृति स्वतंत्र, प्रतिबल विकृति के ऊपर निर्भर कर रहा है। बात समझ में आ रही है? तो दो कॉन्सेप्ट जोड़ करके बच्चों ने जवाब दिया, बहुत अच्छा जवाब, तो लगभग सबका सही था, लेकिन कारण केवल एक ही बच्चे ने रिप्लाई किया है, तो बहुत अच्छे बेटा, ठीक है। तो एक्स अक्ष पे हम विकृति रखेंगे, विकृति रखने का कारण है क्योंकि इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। आपने ग्राफ आज से पहले नहीं देखा फिर भी आप बता ले गए, क्यों? कॉन्सेप्ट थी स्टडी के पीछे, सिर्फ इसलिए। रट्टा मारे होते एसटी ग्राफ में कि एक्स अक्ष पर टी होगा वाई अक्ष पर एस होगा, तो जिंदगी में इसका जवाब ना दे पाते, ठीक है। बट वही कारण पकड़ लिए थे क्यों टी होगा क्यों एस होगा, इसलिए आज जवाब दे पाए हो कि क्यों यहां विकृति होगा और क्यों वहां प्रतिबल होगा। शाबाश, वेरी गुड। यहां प्रतिबल है ना, इंग्लिश में बोले तो स्ट्रेस, और यहां पे स्ट्रेन। तो हुक ने ये कहा कि प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर, क्या? प्रत्यास्थता की सीमा के अंदर प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती होगा। तो प्रतिबल आपने रखा वाई अक्ष पे, विकृति रखा एक्स अक्ष पे, तो आप कह रहे हो सर वाई प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा, यानी वाई बराबर एम एक्स होगा, यानी जो ग्राफ बनेगा वो मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक सरल रेखा बनेगी। बेसिक कॉन्सेप्ट है एकदम, ठीक है। तुम कहोगे सर ग्राफ तो बन गया, सर ग्राफ ऐसे होना चाहिए, ग्राफ ऐसे होना चाहिए, है ना, ऐसे ग्राफ होना चाहिए, मूल बिंदु से होकर जाने वाली एक सरल रेखा होनी चाहिए ग्राफ, ये ऐसे। वाह गुड, शाबाश, ठीक। और ये लगभग कितने परसेंट तक, अप्रोक्सीमेटली विकृति जो है बहुत कम, लेस देन 1%, है ना, 1% से भी छोटी विकृति, मतलब 100 सेंटीमीटर के तार में 1 सेंटीमीटर से भी छोटा अगर आपका चेंज आ रहा है लंबाई में तो, क्योंकि बहुत स्मॉल चेंजेस के लिए, बल्कि 0.1% शायद, एग्जैक्ट डेटा मेरे दिमाग में नहीं है, बट कोई बहुत इतना इंपॉर्टेंट डेटा नहीं है, ठीक है। लेकिन यह है कि बहुत कम विकृति के लिए ही ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि बहुत कम विकृति के लिए ही हुक का नियम पालन करेगा। बोलो यहां तक ग्राफ सबको समझ में आया होगा, क्योंकि हुक ने यहां तक आपको हिंट कर दिया था कि प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती, चिन्ह हटाएंगे, एक नियतांक आएगा वाई बराबर एम एक्स, पहले से पढ़ के रखा हुआ है हाई स्कूल में कि ये मूल बिंदु से होकर जाने वाली सरल रेखा ग्राफ होता है। बोलो पकड़ लिए ना कॉन्सेप्ट? बोलो भाई। बेटा स्ट्रेस स्ट्रेन बोल तो रहे इंग्लिश में, लिख भी दिए इवन की इंग्लिश में, इसीलिए हम अब और कितना, अब आप प्योर सीबीएसई बोर्ड से अगर हैं तो मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा बेटा कि आप थोड़ा सा यहाँ पे मैनेज करेंगे तो ही पढ़ पाएंगे। यहाँ तक इस पॉइंट पर मैं ओ कहूँ, इस पॉइंट पर मैं ए कहूँ, है ना, तो ए को हम लोग क्या एग्जाम में यही डिफाइन करने को आता है, एग्जाम में यही कहता है स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व बनाओ स्टील के तार के लिए,
स्टील के तार के लिए, तने हुए स्टील के तार के लिए बना रहा हूँ मैं, ठीक है। ऐसे में तार को भी मैं बनाया था, ऐसे लटका दिया मैंने, और पलड़े में धीरे धीरे मैं वेट रखता जा रहा हूँ, 1 kg 2 kg 3 kg तार खींचता जा रहा है, खींचता जा रहा है ना, और वही मैं ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूँ। तो बिंदु ए को हम लोग बोलते हैं प्रोपोर्शनल लिमिट, हिंदी में कहते हैं अनुक्रमानुपाती सीमा, अनुक्रमानुपाती सीमा। इन्हीं सब पॉइंट्स को आपको इंग्लिश, वो इंग्लिश कह रहा हूँ, आपको अपने वर्ड्स में एक्सप्लेन करके लिख देना है कि यहाँ तक हुक का नियम पालन करेगा, मतलब प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती रहेगी। क्या? यहाँ तक हुक का नियम पालन करेगा, यानी प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती रहेगी, और जो क्षेत्र OA बनेगा, O से लेके A तक, इसको हम बोलेंगे अनुक्रमानुपाती क्षेत्र, अनुक्रमानुपाती क्षेत्र। इसको आप बस अपनी हिंदी में एक्सप्लेन कर लीजिएगा, बस क्या बोलेंगे, अनुक्रमानुपाती क्षेत्र, ठीक है। लौट के वापस आ जा रहा है। इसके बाद प्रोपोर्शनल तो नहीं होती है, लेकिन थोड़ा दूर अगर आप और इस पर फोर्स लगाते हो, थोड़ा सा कर्व ऐसे बेंड होता है, थोड़ा सा ऐसे बेंड होता है ना, एकदम थोड़ा सा हल्का सा कर्व ऐसे बेंड होता है, पॉइंट बी तक पहुंच जाते हैं हम, ठीक। और पॉइंट बी जो होता है, ये होती है प्रत्यास्थ सीमा, प्रत्यास्थता की सीमा। इसका क्या मतलब हुआ, प्रत्यास्थता की सीमा, है ना। और जो ओ बी होगा ग्राफ का रीजन, ओ से लेकर बी तक पूरा, इसको हम लोग बोलेंगे प्रत्यास्थ क्षेत्र, प्रत्यास्थ क्षेत्र, है ना। ओ से बी तक प्रत्यास्थता का गुण रहेगा, बस सॉरी उल्टा बोल गया, उल्टा नहीं थोड़ा एक्स्ट्रा बोल गया, ए से बी तक प्रत्यास्थता का गुण रहेगा, लेकिन प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती नहीं रहेगी। क्या? ओ से बी तक प्रत्यास्थता का गुण रहेगा, लेकिन प्रतिबल विकृति के अनुक्रमानुपाती नहीं रहेगी, इसलिए ग्राफ थोड़ा सा हल्का सा कर्व बन गया है, हल्का सा टेढ़ा हो गया है ग्राफ। जब अनुक्रमानुपाती होगी तो ग्राफ एकदम स्ट्रेट लाइन बनेगा, यहाँ पे नहीं है इसलिए ऐसा बन। ये प्रैक्टिकल है, हम लोगों ने तो लैब में इसका प्रैक्टिकल किया है, ठीक है, टेंसाइल टेस्ट लैब में किया है, तार को तोड़ करके लटका, उस पर वेट बढ़ा बढ़ा के बढ़िया प्लॉटर से ग्राफ इसका बना है, मशीन होती है उसमें कागज लगा होता है और बढ़िया से प्लॉट कर देता है ग्राफ पूरा, ठीक है। तो उसकी हेल्प से हम लोगों ने ग्राफ इसका प्लॉट किया है, लैब में देखा है, ऐसा ही ग्राफ बनता है जैसा मैं बना रहा हूँ, अपने से बना के देखा गया इसको, ठीक है। तो ये पॉइंट बी तक ग्राफ हल्का सा बेंड कर जाता है, थोड़ा सा बेंड कर जाता है, हल्का सा एकदम, ठीक है, लेकिन अभी भी उसमें प्रत्यास्थता का गुण विद्यमान होता है। इसका मतलब तार अपनी प्रारंभिक अवस्था में वापस लौट जाता है, अगर हम बाह्य बल हटा लें तो, विरूपक बल हटा लें तो, है ना। बस फर्क क्या होता है, अनुक्रमानुपाती नहीं होती है, लेकिन ओ से बी तक हम कहें तो पूरा प्रत्यास्थ होता है, मतलब वापस लौटेगा ही लौटेगा, चाहे प्रतिबल विकृति का अनुपाती हो चाहे ना हो, लेकिन आप बाह्य बल जैसे ही हटाओ विरूपक बल, वैसे ही अपनी अवस्था में वो पुनः वापस लौट जाएगा। बात समझ में आ रही है, ठीक है। इसके आगे बी से हम आगे बढ़ते हैं, तो बी से आगे बढ़ने पर ग्राफ थोड़ा सा कुछ ऐसा हो जाता है, पहले डिजाइन बना दे फिर समझा देते हैं हम, ठीक है। और लगभग 30% विकृति के आसपास, एनसीईआरटी का डेटा ही है, लगभग 30% विकृति के आसपास, जितनी लंबाई उसके 30% लंबाई का खींच दो एक्स्ट्रा, तो लगभग वो टूट जाता है, रप्चर हो जाता है। बात समझ में आ रही है, ठीक है। तो यहाँ से इसके बाद, बी के बाद अगर आपने फिर कहीं भी, मान लो हमने कोई एक पॉइंट ले लिया सी, अगर हम सी पर बाह्य बल हटाएंगे तो वापस तो लौटेगा, है ना, लेकिन पुनः अपनी अवस्था में वापस नहीं लौटेगा, वो अपनी प्रारंभिक अवस्था से कुछ कुछ बेंड रह जाएगा, है ना, कुछ तना हुआ रह जाएगा, बेंड नहीं तना हुआ रह जाएगा। अब क्योंकि इतना मेरे अंदर ताकत नहीं है कि मैं इसको खींच करके आपको प्रैक्टिकल करा के दिखा सकूं, लेकिन इसका बिहेवियर कुछ हद तक मैं आपको इससे समझा सकता हूं, ठीक है, कुछ हद तक। जैसे हमने यहाँ पे बल लगाया तो ये वापस लौट गया, है ना, ये प्रत्यास्थ, ये अनुक्रमानुपाती क्षेत्र है, हो सकता है इसके आगे कहीं प्रत्यास्थ क्षेत्र भी हो, क्योंकि पुनः अपनी अवस्था में वापस लौट जा रहा है, बिहेवियर वही है, बस उसको खींचना है, और इसको खींच करके लंबा करके मैं, ये मेरे बस का नहीं है भाई, देखो, ठीक है। तो थोड़ा अगर मैं इसको और ज़्यादा बल लगाता हूँ तो क्या होगा, ये वापस तो लौटेगा, थोड़ा देखो वापस तो लौटा ही है, वापस सीधा कर देते हैं, देखना ध्यान से देखना, एकदम सीधा स्ट्रेट है,
अगर मैं इतना बल लगा ये वापस तो लौटा थोड़ा, देखो यहाँ से इतना आया, लेकिन क्या पूरा वापस गया क्या? नहीं, फिर से देखना एक बार, देखना मैं जहाँ छोड़ूंगा वहाँ से थोड़ा वापस जाए, देखो जैसे मैं यहाँ छोड़ा मैं, देखो थोड़ा वापस जाएगा, ये देखो वापस गया, यहाँ से यहाँ चला गया, लेकिन क्या पूरा वापस गया क्या? नहीं, कुछ विकृति इसमें शेष रह गई, यहाँ से यहाँ तक कुछ विकृति इसमें शेष रह गई। बात समझ में आई? थोड़ी सी विकृति इसमें शेष रह गई। और ये कब तक जारी रहेगा? ये इस पॉइंट डी तक जारी रहेगा, मतलब किसी भी पॉइंट पर अगर आप इसको छोड़ोगे तो वापस तो जाएगा, लेकिन कुछ विकृति इसमें शेष रह जाएगी, पुनः अपनी प्रारंभिक अवस्था पे नहीं लौट पाएगा, लौटेगा लेकिन पूरी तरह से नहीं लौट पाएगा, अंतिम में कुछ ना कुछ विकृति उसमें शेष रह जाएगी। जब हम प्रतिबल को जीरो कर देंगे, ठीक है, प्रतिबल को हम नहीं कर देंगे, बाह्य बल को जीरो कर देंगे, प्रतिबल जीरो हो जाएगा, तो विकृति थोड़ी बहुत परमानेंट विकृति शेष इसमें रह जाएगी। बात समझ में आई? इसको बोलते हैं सुघट्य क्षेत्र। क्या बोलते हैं? ओ से लेकर के डी तक कहलाता है सुघट्य क्षेत्र, सुघट्य क्षेत्र, या बोलते हैं प्लास्टिक रीजन, प्लास्टिक क्षेत्र, है ना, प्लास्टिक क्षेत्र, ठीक। और बी को बोलते हैं यील्ड पॉइंट। यार थोड़ा मेरे दिमाग से ना हिंदी में इसका नाम मिस कर गया मैं। डी को बोलते हैं यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट, यील्ड पॉइंट मतलब ये वो बिंदु है, देख लेना एक बार तुम हिंदी में क्या बोलते इसको, ठीक है, यील्ड पॉइंट वो बिंदु है जहां पर अधिकतम प्रतिबल होता है, अधिकतम प्रतिबल मतलब इससे ज्यादा अगर तुम बाह्य बल लगा दिए, क्योंकि प्रतिबल बाह्य बल के बराबर ही होता है, अगर इससे ज्यादा बाह्य बल लगा दिए तार टूट जाएगा, है ना, और जब टूटने के करीब वो होता है तो उसके बाद, इस पॉइंट के बाद अगर आप थोड़ा बहुत प्रतिबल कम भी कर देते हो तो भी वो आराम से वो लिक्विड की तरह ऐसे बह जाएगा फ्लो में, ठीक है। जैसे कभी आप लोग कभी खेला होगा सबने, मैं तो खेला हूँ भाई एकदम, वो बचपन में एकदम गंदगी वाला काम, चिंगम से निकाल कभी कभी मुँह से, है ना, बचपन में किया होगा, उसके से पकड़ के खींचा होगा, किया कि नहीं किया, किया होगा ना, ठीक है। तो उसके से खींचते हैं तो क्या होता है कि पहले जब थोड़ा सा वो मोटा होता है तो थोड़ा ताकत लगती खींचने में, लेकिन जैसे ही वो अचानक से पतला होना जब शुरू होता है तो ऐसा लगता है एकदम वो लिक्विड तरह से बह करके ऐसे लंबा हो जाता है, ठीक है, तुरंत खींच जाता है, मतलब बल बहुत कम लगाने पर भी वो खींच जाता है। शुरू में बल हम ज़्यादा लगाते हैं, उसको खींचते रहते हैं, वो ऐसे बड़ा होता रहता है, अंतिम में क्या होता है कि जब बल थोड़ा सा कम भी लगाओ, मतलब अपने आप बल कम हो जाता है, अचानक से एक पॉइंट आता है जो तुरंत खींच के लंबा हो जाता है, और हमें लगता है कि लगता है हमारे लगा बल जो है वो एकदम खत्म ही हो गया, फिर भी खींचा चला जा रहा है। ये नहीं किया तो प्रैक्टिस कर लेना, कभी भी थोड़ा बहुत कुछ ऐसे काम कर लेना चाहिए गंदगी वाला, कुछ सीखने को मिल जाता है, है ना, किया है कि नहीं किया है बताओ। पराभव, पराभव बिंदु, ओके, नहीं बेटा पराभव बिंदु शायद बी को बोलते हैं, प्रत्यास्थता की सीमा को ही पराभव बिंदु शायद कहते हैं। हिंदी कुछ वर्ड्स बहुत खतरनाक हैं, इसलिए मैं इजी इजी वर्ड्स लिखना पसंद किया हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं, आप ये वर्ड्स लिख सकते हो, ठीक है। पराभव बिंदु शायद बी को कहते हैं मेरे हिसाब से, एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है, वो बहुत कंसर्न नहीं है, कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, मेरे टर्मिनोलॉजी मेरे वर्ड्स आपको समझ में आ रहे हैं, ठीक है, बस इतना सफिशियंट है। यहाँ प्रतिबल अधिकतम होता है, इसके बाद अगर आप बल लगाओगे क्या होगा, वो टूट जाएगा, और बहुत ही कम प्रतिबल आपको अनुभव होगा, कि लगता है वो अपनी तरफ से बिल्कुल बल लगा ही रहा है। और उसमें लिखा होता है, इंग्लिश में अच्छी किताबें पढ़ोगे तो वहाँ लिखा होता है कि मेटल स्टार्ट फ्लोस लाइक अ लिक्विड, ठीक है, किसी लिक्विड की तरह मेटल ऐसे बहने लगता है, ऐसे लंबा लंबा आपको ऐसे देखिएगा, कहने का मतलब कि बिल्कुल फोर्स लगाए बिना ही वो ऐसे खींचता चला जाता है। बात समझ में आ रही है? हो सकता है बेटा कहते हूँ, मैंने कहा थोड़ा मैं जिस चीज़ में कमज़ोर हूँ मैं एक्सेप्ट कर लेता हूँ कि वहाँ पे थोड़ा मुझसे चूक हो सकती है, तो आप लोग इतना क्लियर कर लीजिएगा, ठीक। क्लियर है बेटा? ई आपका रप्चर पॉइंट होता है, ये ई है रप्चर पॉइंट होता है, रप्चर पॉइंट, रप्चर पॉइंट जहाँ पे वो पदार्थ वो तार टूट के अलग हो जाता है, रक्चर पॉइंट जहाँ पे वो तार टूट के अलग हो जाता है, ठीक है। तो आई होप ये ग्राफ आपको समझ में आया होगा। अभी ग्राफ से रिलेटेड आपको कुछ और भी बताना है, लेकिन वो हम लोग कल डिस्कस करेंगे, ठीक है, क्योंकि आज मैं बहुत देर तक पढ़ा दिया हूँ,
बहुत दिन मैंने एक ही घंटा पढ़ाया है, अजय से मेरा 15 मिनट ले गए तो मैं अगली क्लास का ले गया 15 मिनट, मेरे को गया। ठीक है, कोई इतने में किसी कोई डाउट हो तो बताना। ठीक है, भैया मोहम्मद शानू जी, अगर कोई डेटा जानना हो ठीक है तो बेहतर होगा कि आप उसको गूगल कर लीजिए, आई एम नॉट अ गूगल। ठीक है, आप मुझसे अगर पूछो कि सर ये बताइए एल्युमिनियम का प्रत्यास्था गुणांक क्या हो, जैसे अभी पूछा आपने, मान लो मैं डेटा रखने में बिलीव नहीं करता, मेरे को तो कैपिटल जी का मान भूल जाए, मैं एक साल ना पढ़ाऊँ तो ठीक है, बहुत समस्या है मेरे साथ। तो मान लो मैंने बता दिया एल्युमिनियम, फिर आपको सर तांबे का बता दिया, तो तांबे का, फिर आपको सर पीतल का, फिर आपको सर जिंक का, फिर आपको सर मैग्नीशियम का, तो बेटा कितना याद रखेंगे। तो डेटा याद रखने में बिलीव नहीं करता, और न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आएगी उसमें ये चीज़ रहेगी कि आपको बहुत ज़्यादा आंकड़े याद नहीं करने होंगे, आपको शीट मिलेगी। ठीक है, फॉरेन एजुकेशन सिस्टम में है, आपको फॉर्मूले की शीट मिल जाती है, लो जो मर्जी फॉर्मूला लगाओ, तुम्हें तो फॉर्मूला भी नहीं रटना है, वो ये भी कहते हैं। तो बड़ी समस्या है भैया यहाँ पे, तो रटा वटा नहीं जाता बहुत चीज़ें, और आंकड़े तो बिल्कुल मत रटा करो, फालतू चीज़ है। एग्ज़ाम में सारे आंकड़े आपको दे के रखते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में जो पेपर आएगा वहाँ कैपिटल जी स्मॉल जी जो भी यूज़ होगा पाई वाई सब का मान पीछे पेपर के दिया होता है। ठीक है, चाहे आईटी चाहे जिसका पेपर हो वो। हाँ, इसको भंजक बिंदु कहते हैं, ये रप्चर पॉइंट, ये भंजक बिंदु है, ये भंजक बिंदु, डी को नहीं ई को, ये भंजक वर्ड सुनने में लग रहा है, हाँ भंजक मतलब टूट जाना, सही लग रहा है ना, ई को, डी को देख लेना क्या है, वो यील्ड है, मतलब वहाँ पे कम फोर्स लगाने पर भी टूट जाएगा, पटाख से टूट जाएगा। ठीक है, हाँ बेटा बाय, चलते हैं, कल मिलते हैं आप लोगों से, तब तक के लिए सभी को बाय बाय, गुड नाइट, ठीक।